बड़ा ही मेहनत का काम है, एक हाथ में कैमरा एक हाथ में इतनी भारी बाल्टी। हेलो 1 2 3। ज़्यादा मत सोचो, सिर्फ टंकी खोली इसलिए थी क्योंकि पौधों को पानी देना है। पानी था नहीं, लेकिन इसके अंदर मेरा हाथ भी नहीं पहुंचता नीचे तक। बड़ी जद्दोजहद करके पानी निकाल ही लिया हमने। अगर मैं पानी कैमरे के साथ निकालता ना, मतलब फ़ोन के साथ, वो फ़ोन मेरा पानी में होता और पता नहीं मैं भी होता पानी में। एक बाल्टी और निकालना पड़ेगा पानी। ओ निकल जा निकल जा, अबे निकल। सक्सेसफुल रहा मिशन। कैमरा प्लस बाल्टी इज इक्वल टू व्लॉगर लाइफ। सबसे जरूरी चीज सबसे ज़रूरी ये भी होता है कि आप पशु पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखें, उनको भी प्यास लगती है। और अच्छा रहता है, आप किसी की सेवा करोगे, किसी का अच्छा करोगे तो गॉड आपके लिए अच्छा करेगा। और इस वक्त सुबह नहीं हो रही है, इस वक्त हो रही है शाम के, कितने बज रहे हैं, शाम के बज रहे हैं 5। और सुबह मैं उठ नहीं पाया आज क्योंकि रात को एडिटिंग करी थी मैंने पनीर वाली व्लॉग की। और जो बंदे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे यार, फॉलो कर लो यार। इंस्टाग्राम पे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, मतलब सॉरी सब्सक्राइबर तो यूट्यूब पे होते हैं, 100 फॉलोअर्स हो गए हैं मेरे। बाल्टी उठा के यार बहुत, मतलब हाथों की एक्सरसाइज हो गई। डंबल पानी, बाल्टी के अंदर पानी भरो और पूरा डंबल की तरह यूज़ करो, थोड़ी बॉडी तो बनी जाएगी। और कल के ब्लॉग में, पनीर वाले ब्लॉग में यार थोड़ा मैं मानता हूँ, अगर कुछ मतलब अच्छे से नहीं आपको मज़ा आया होगा, अगर थोड़े यार देखो इक्विपमेंट्स की थोड़ी कमी थी और फ़ोन से पूरा व्लॉग बनता है तो यार आपको पता ही, मतलब देखो ना पता ही होगा यार आपको तो बिगनर लेवल क्या होता है, तो उस हिसाब से थोड़ा माफ़ कर देना। और फ़ोन से व्लॉग बन रहा है, इतनी मेहनत लग रही है तो थोड़ा उसको अप्रिशिएट करो यार, उसमें बुराइयाँ और नेगेटिविटी कम देखो, उसमें पॉजिटिवनेस पॉजिटिव ज़्यादा देखो। जो चीज़ें पॉजिटिव लगती हैं आपको, सिर्फ उसको आप दिमाग में रखो, बाकी नेगेटिव जो अगर लग रहा है वो मानता हूँ है थोड़ा बहुत, लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, लेकिन आगे बढ़ाना आप ही का काम है यार। लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी यार, जो भी कहो बहुत बढ़िया बनी थी, मैंने कम खाई है। मेरा भाई बहुत चढ़ गया है इस बात से क्योंकि मैंने उसको सब्ज़ी दी नहीं थी। उसने कमेंट भी लिख के भेजा है मेरे को नीचे कि फिटनेस की तो बहुत बातें करते हैं लेकिन कुछ काम नहीं करते उसके ऊपर। तो कोई बात नहीं, मानता हूँ फिटनेस की मैं बातें करता हूँ लेकिन काम यार नहीं हो पाता कभी कभार, क्योंकि वीडियोस डालनी पड़ती है यार आपके लिए, बहुत वो भी बहुत ज़रूरी है, फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है और वीडियोस डालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही काम बहुत ज़रूरी हैं। तो दोनों ही कभी कभार इधर उधर हिल जाते हैं, तो कोई बात नहीं होता रहता है ये। तो मैं ऊपर आके सोच रहा था कि थोड़ा बादलों का व्यू ले लेता, थोड़ा टाइम लैप्स आपको दिखा देता, लेकिन लगता है आजकल पॉल्यूशन फ्री एयर इतनी प्योरीफाई हो गई है कि बादल भी गायब हो गए हैं। टाइम लैप्स ले तो किसका लें यार, समझ में नहीं आ रहा, हवा चल नहीं रही, वरना पेड़ पौधों का ही टाइम लैप्स दिखा देते आपको। अच्छा आपने तो देखा ही नहीं यार कल का सीन, मैं तो भूल ही गया आपको दिखाना यार। कल बना था डोसा, और डोसा कैसा बना था ये आप देखो, बहुत हंसी आएगी आपको भी। स्वाद तो इतना बढ़िया है, मेरे को और लेने का मन कर रहा है, थोड़ा सा और ले रहा हूँ मैं, बाकी इसको ढक दो, बाद में मजे लेंगे सांभर और डोसे के। डोसा बन रहा है ये हमारा, फटा हुआ डोसा, फटा हुआ ढोल है ये, डोसा नहीं है ये। कितनी मेहनत लग रही है इसको निकालने में। ये देखो सामान तैयार है ये सारा का सारा। इतनी मेहनत के बाद अब पलट गया है।
और हमारी माता श्री तैयार कर रही हैं इस डोसे को। पापा अभी मैदान में उतरे नहीं है, वरना पापा का देखेंगे कैसा बनता है कैसा नहीं। डोसा तो ठीक है लेकिन ऑयल ज़्यादा हो गया। देखा आपने कैसा डोसा बना था, ये बना था डोसा घर पे, और अब क्या करें, लेकिन जैसा बना था वैसा खाना पड़ा और मैंने एक ही खाया, ज़्यादा हैवी बन गया था थोड़ा इस वजह से। और क्या है ना, बाहर का खाने से बढ़िया तो घर पे खा लो बना के, चाहे कच्चा बने चाहे पक्का बने, लेकिन मिल तो रियल रहा है ना, मतलब रियल से मतलब प्योर तो मिल रहा है ना घर पे। घर पे चीज़ें बना के खाओ जितना हो सकता है, बाहर का अवॉइड करो। और इसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं, बाहर का और घर का मटेरियल में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क होता है और क्या आपके शरीर में फ़र्क पड़ेगा। थोड़ी एक्सरसाइज कर ली जाए यार, क्योंकि सुबह तो उठना हो नहीं पाया, दोपहर हो रही है, धूप हो रही है, मन कर नहीं रहा, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। पुशअप मार के देखते हैं ज़रा, क्योंकि बहुत टाइम से पुशअप लग नहीं पाए, जंपिंग वंपिंग तो कर लेते हैं। लेट्स रेडी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वन टू थ्री। नहीं लग पाएगा भाई, नहीं लग पाएगा। जान निकल गई हाथों की पूरी जान। गलती तो भी हमारी है ना, खा के खुद को भुला लेंगे, लेकिन एक्सरसाइज के नाम पे कुछ करना नहीं है। प्यास लग गई, नीचे जाना पड़ेगा। यही वो बंदा है जिसने कमेंट किया था मेरी वीडियो पे, देखिए गौर से देखिए इस आदमी को। पनीर की सब्जी ना मिलने पर यह बंदा कमेंट करता है, ये पनीर की सब्जी ना मिलने पे ये बंदा कमेंट करता है। अब चाय पीने का टाइम है, चाय पीने वाले हम, बट थोड़ी प्रॉब्लम ये हो गई, ताई जी ने चाय में चीनी डाल दी, कुर्बानी देनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्या करें। कोई बात नहीं, कल एक्सरसाइज करेंगे, कल से कुर्बानी नहीं देंगे। तो अभी मैंने क्या सोचा है, अभी मैं सोच रहा हूँ प्रैंक करने की दोस्तों के साथ, और आप देखो बढ़िया लगेगा प्रैंक शायद। और थोड़ी स्क्रीन अगर मतलब रिजोल्यूशन ब्लर सी लग रही हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि लैपटॉप से रिकॉर्डिंग करूँगा अब मैं, और लैपटॉप का कैमरा ठीक ठाक है बस, तो उसके लिए सॉरी। बुरा मान गया लगता है। हेलो, अरे सर जी क्या हुआ? अबे कौन था ये पागल आदमी, कौन लगा दिया? डर गया क्या? भाई पागल आदमी लग गया तू, क्या की बात है, बंदों के लग रहा था तू। भाई साहब प्रैंक था ये, प्रैंक मेरे एक और भैया हैं, उनको फोन कर रहा हूँ। कितनी बार कहा है यहाँ पे फोन मत करो, समझ नहीं आता एक बार में, अगली बार कितनी बार कहा है यहाँ पे फोन मत करो, समझ नहीं आता एक बार में, अगली बार फोन कर दिया ना तो सीधा ये नंबर मैं पुलिस को दूंगी जाके। तुम्हें बस तुम किसे कॉल कर रहे हो, जब देखो तब फोन करते रहोगे, फोन उठा के कुछ और काम ही है, तुम्हारे घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं, स्कूल नहीं भेजा कभी तुम्हें। हेलो, हाँ जी, कौन? हाँ जी, क्या हाल है भाई? ये मजाक था छोटा सा, डरे तो नहीं? अच्छा
तो भाई पोपट तो हो गया अपना ही, बस दो बंदों से बच गए पोपट होने से। और बाकी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। ठीक है, टाटा बाय बाय, ब्लॉग को एंड करते हैं।